जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। तो गाइज आज की हमारी वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे होने वाली है। तो गाइज देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी सारी हारमोनियम की जो वीडियो होती है प्ले की थी, उसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी आपको टोन एडिटिंग की वीडियो दी। उसमें गाइज जब हम उसको प्ले करते हैं तो कुछ एक ऐसा इफेक्ट गाइज जो कि हमें बार बार सुनने को मिलता है कि क्या इस कीबोर्ड के अंदर पॉलीमोनो का इफेक्ट आपको मिलता है। तो गाइज ये सवाल हमसे काफ़ी बार पूछा गया है कि क्या हमें सिटी X9000 इन के अंदर पॉलीमोनो का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब गाइज जब मैंने इस चीज़ के बारे में देखा कि आखिर ये वाला इफेक्ट होता है क्या, इसका काम क्या है, गाइज मैंने कुछ एक लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब हम कीबोर्ड को प्ले करते हैं तो उसमें एक मतलब कीज को हम जब प्रेस करते हैं तो एक अलग इफेक्ट आता है। अब वो कौन सा इफेक्ट है गाइज, मैं आपको इस टोन के जरिए सुना सकता हूँ। तो गाइज आप इस टोन को सुनना, इसमें क्या होगा, गाइज इसको सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्ले किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने नॉर्मली बजाया है जैसे कि हम बजाते हैं, लेकिन जो इफेक्ट आपको सुनने को मिला वो आपको बताता हूँ कि वो वाला इफेक्ट क्या था। कि जैसे देखिए, आगे अभी मैं इस चीज़ को प्रेस करूँगा लगातार और एक चीज़ को मैं बार बार प्रेस करता रहूँगा तो आपको एक इफेक्ट सुनने को मिलेगा। ये देखिए कितना फास्ट प्ले हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं फास्ट बजा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक इफेक्ट आ रहा है। गाइज मुझे नहीं पता कि ये पॉलीमोनो इफेक्ट होता है, लेकिन ये वाला इफेक्ट आपको रोलैंड या कोर के अंदर देखने को मिलता है और ये बहुत ही प्यारा लगता है गाइज जब आप इसको टोन के अंदर प्ले करते हो। मतलब ऐसी टोन जितनी भी इस इफेक्ट के साथ आती हैं काफ़ी प्यारी लगती हैं, खासकर गाइज जब आप रोलैंड का हारमोनियम सुनते हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा नहीं गाइज कि वहाँ पर हारमोनियम मतलब बजाने वाला ही ऐसा नहीं है कि वो बेकार होता है, लेकिन जो उसमें इफेक्ट मिलता है वो आपके मतलब बजाने की जो एक टेक्निक है गाइज उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। जब हम हारमोनियम रोलैंड के कीबोर्ड में प्ले करते हैं तो उसमें ऐसा इफेक्ट देने को मिलता है जिस वजह से आपकी जो कीज़ की साउंड है गाइज हर कीज़ का अपना इफेक्ट आता है, जबकि हमारे सिटी X9000 इन के अंदर वाले इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको लगैटो इसके अंदर नहीं मिलती जो कि हमारी बैंजो या मुरली या फिर सहनाई के काम आती है। और उसी तरह से जब हम इसको फास्ट प्ले करते हैं गाइज तो वो भी हारमोनियम का जो एक इफेक्ट मिलता है, हमें नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन एक तरंग टाइप गाइज जब हम इसको फास्ट प्ले करते हैं उस टाइम ये वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे कि इस टोन के अंदर देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है गाइज, इस इफेक्ट के साथ आपका मतलब जो टोन आप जो भी प्ले कर रहे हो, जैसे हम अगर मैं इस की से प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मैं निचला बटन हल्का सा भी प्रेस कर रहा हूँ तो उसका साउंड जा रहा है इसका आ रहा है, और जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूँ ऑटोमेटिक उसका साउंड आ रहा है। जबकि जो अगर आप इस इफेक्ट को नहीं लगाते हो तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं अभी ये देखिए ये वाला टोन ले रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि जब मैं इस कीज़ को प्रेस करूँगा बिना इफेक्ट के तो अभी इसका जो इस कीज़ का जो साउंड है वो गायब नहीं होता है, वो लगातार चलता रहता है और इस कीज़ का अलग से आता है। यही हमारा हारमोनियम है, देखिए इस चीज का साउंड लगातार आपको सुनाई दे रहा है, जबकि इसका आपको हल्का हल्का जैसे चीज प्रेस करूंगा तभी आएगा। जबकि इस इफेक्ट में सुनिए, इसमें इस चीज का साउंड भी गायब हो जाता है। देखिए तो ये इफेक्ट गाइस हमारा रोलैंड के अंदर देखने को मिलता है, हर टोन के अंदर हर चीज में आपको ऐसा इफेक्ट मिलता है जिससे कि रोलैंड हमेशा लोग लेने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उसमें गाइस लाइव शो के लिए काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वाला जो एक फीचर है गाइस वो मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आप लाइव शो के लिए किसी कीबोर्ड को लेना चाहते हो तो आप उन कीबोर्ड में जाइए, और आप चाहते हो कि आप लो रेंज के कोई कीबोर्ड लेना चाहते हो लेकिन उसमें आपको ऐसा इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ गाइज उन लोगों के लिए है जो कि सीखना चाहते हैं, अपने घर से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जिनको रिदम के बारे में ज्ञान है थोड़ा बहुत, तो आप चाहो तो इससे रिदम वगैरह प्ले कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा नहीं गाइज कि आप इसको लाइव शो में प्ले नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन गाइज अगर आप मास्टर प्लेयर हैं तो आप चाहो तो इन्हीं टोन में जो कि हमारी डिफॉल्ट आती है उसमें भी इस प्रकार का इफेक्ट डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं, लेकिन वो जो मतलब गाइज एक साउंड क्वालिटी वो आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिल जाती। हाँ आप अपने हिसाब से उस तरीके से जा सकते, जैसे हमारा हारमोनियम था,
मैं आपको एक बार हारमोनियम भी सुना देता हूँ। गाइज अगर आपको इस कीबोर्ड के अंदर ऐसा इफेक्ट देना है, आपकी आपकी मतलब जो भी आपने टोन एडिट किया उनमें आपको इस प्रकार का इफेक्ट चाहिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टोन एडिट करते हो, अभी आपको थोड़ी सी स्क्रीन दिख रही होगी क्योंकि अगर मैं स्क्रीन दिखाऊंगा तो गाइज बाकी का अंधेरा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको जो अटैक टाइम है, अगर आपने गाइज किसी ऐसी टोन को बनाना है जिसमें आपको कुछ मतलब वो वाला इफेक्ट चाहिए, तो आप हमेशा अटैक टाइम और इसका जो 3 नंबर से आ गया तो रिलीज टाइम, ये हमेशा जितना कम रहेगा उतना इफेक्ट आपका ज़्यादा आता है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। खासकर गाइस जो भी हारमोनियम के कैटेगरी की टोन है उनमें ऐसा इफेक्ट बहुत ही प्यारा लगता है सुनने में, क्योंकि एक मतलब रियल वाली फील आती है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है कि आपको जिस भी टोन में कुछ इस प्रकार का इफेक्ट चाहिए आपका रिलीज टाइम हमेशा कम होना चाहिए। रिलीज टाइम क्या होता है गाइज कि आपका जो साउंड है कितनी देर तक ठहरेगा वो रिलीज टाइम पे हमारा डिपेंड करता है। और जो ये वाला इफेक्ट है गाइज उसमें क्या होगा कि आपका रिलीज टाइम जितना कम रहेगा उतना अच्छा इफेक्ट आता है। तो आपको इस कीबोर्ड के अंदर इफेक्ट तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन आप चाहो तो इस टोन को इस प्रकार से यानी किसी भी टोन को इस प्रकार से एडिट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है कि जो भी टोन आपने एडिट करनी है उसमें रिलीज टाइम और अटैक टाइम हमें हमेशा ही कम रखना है। अटैक अगर बढ़ा देते हो तो आपका जो कीज रिस्पॉन्स है बिल्कुल कम हो जाता है, जितना आप कम करते हो उतना ज़्यादा हो जाता है। और रिलीज टाइम से क्या होता है गाइस देखिए, अभी मैं 0 कर रहा हूँ, जैसे मैं की छोड़ूंगा साउंड गायब हो जाता है। और हमारा रिलीज टाइम जितना ज्यादा रहता है उतना हमारा साउंड ज्यादा देर तक रहता है। ये देखिए ये एकदम भद्दा सा लगता है, तो आपने इसको हमेशा कम रखना है जो भी आपको हारमोनियम की कैटेगरी टोन मिलती है। और इस तरह से गाइज आपका हर टोन में इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप 0 कर लीजिए, 0 नहीं रखना है, आपने 20 या 30 के बीच में रखना है। आप चाहो तो टोन के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 20-30 के बीच में रखना है। गाइस जैसे हमारी मुरली है, मुरली में ये वाला इफेक्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप चाहो तो उसमें लगैटो काफ़ी अच्छा लगता है, तो जो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप मुरली प्ले कर रहे हो तो आप पोर्टमेंटो का यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी हद तक वैसा ही इफेक्ट देता है, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते। हाँ कुछ इफेक्ट इसमें मिसिंग है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं कि कीबोर्ड बेकार है, बहुत ही अच्छा है। और आप अपने बजाने के हिसाब से इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो गाइस समझ आई होगी तो आप जरूर इस वीडियो में लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना।